राम इस देश की संस्कृति है, राम के भगवान राम के जो आदर्श है उनको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए और हम सब के जीवन में रामचरितमानस का एक अपना अलग से एक महत्व है। हम सुबह जब भी पूजा या अपना अपने घर में करते हैं, आप सब लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी पूजा याचना हम करते हैं तो राम भगवान की मूर्ति हमारे मंदिर में स्थापित होती है, हमारे भवीन हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है, तो पूरे शिमला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कार्यक्रम रखा है उसमें आज ज्योति प्रज्वल का कार्यक्रम था। हमारे राम मंदिर सभा द्वारा यहाँ शिमला में रखा गया, उस ज्योति प्रज्वल में मैं आज यहाँ आया हूँ और सुंदरकांड का जो पाठ आज शुरू हुआ है उसका शुभारंभ आज से हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पाठ चलता रहे, अखंड पाठ। हनुमान तो परम भगत थे, उनके साथ अगर राम की मूर्ति लगेगी और राम मूर्ति से जो जाखू में है एक नया हमारा हमेशा उनके दर्शन जब होते रहेंगे उसका फायदा हम लोगों को भी। देखिए कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, राम किसी एक पार्टी के नहीं, राम आदर्श है हम सब लोगों के, हिंदुस्तान की जनता के, राम संस्कृति है इस देश के लोगों की। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कल करते हैं और सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि कल वो अपने घर में दिया भी जलाए। इस दृष्टि से हम आज इस राम मंदिर के जो अखंड पाठ है उसमें भी मैं शामिल। आप भी जलाएंगे अपने घर को सजाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं जलाएंगे हम? ये अगर कोई व्यक्ति पार्टी इसको अपना मानती हो गलत बात है, राम किसी पार्टियों के नहीं है, वो तो इस देश की संस्कृति है, उनके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो आदर्श स्थापित किए है प्रत्येक हिमाचल वासी को उन आदर्शों के अनुसार अपनाने की जरूरत है और ये समय की भी जरूरत है। अब रामायण महाकाव्य है उसमें जो लिखा है अगर उसी को हम अपना लें यही हमारी सच्ची श्रद्धा राम जी के प्रति होगी। अभी तो हम राम का ही इशू है और भगवान राम के आज हम चरणों में, मैं तो खुद भूखा पेट इसलिए आया हूँ कि ज्योति प्रज्वल करनी है, अखंड पाठ की शुरुआत करनी है, तो निश्चित तौर पर अयोध्या जब हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य, क्यों नहीं जाएंगे अयोध्या? अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, हम अपने मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, ज्वाला माता जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बहुत बहुत सभा वाले कर रहे हैं, इन्होंने मुझसे मांग की है और जितने भी पीठ में मूर्ति बनाएंगे निश्चित तौर पर ये जो हमारे महाकाव्यों में लिखा होता है पंडितों से पूछ के वो दिन भी निकालना पड़ता है ना, इसलिए सब चीजें ग्रह दिशा निकालने के बाद जब ये करेंगे तो उस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। धन्यवाद।